जीवन में कई तरह की बाधाएं और कष्ट आते हैं। यह पांच उपाय हर तरह की बाधा और मुसीबत को टालते हैं। इन्हें जरूर आजमा कर देखें एक बार। अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें। उसके साथ एक मछली घर, जिसमें आठ सुनहरी व एक काली मछली रखें। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए, तो उसको निकाल कर नई मछली लाकर डाल दें। एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। इस पात्र को सिर के सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उसको तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के दो धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर बाकी पिसवाने वाले गेहूं में मिलवा दें। धन में बरकत होगी, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आटा केवल सोमवार और शनिवार को ही पिसवाएं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति को बनाए रखेंगे या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो सके तो प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। ओम पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्रा पुंशी प्रदीप भवंती भवंती। पांच लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल ले। 1.5 मीटर सफेद कपड़ा ले और सामने बिछा ले। इस पांच गुलाबों के फूलों को उसमें गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ते हुए बांध दे। अब स्वयं जाकर इसे जल में प्रवाहित कर दे। हर संकट से मुक्ति मिलेगी। यह उपाय आप जरूर करके देखें। और अन्य उपाय तथा अन्य कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।